नमस्कार, आपका बाजार में आपका स्वागत है। मैं हूं मनोज दारा, मुंबई स्टूडियो से। नमस्कार, मैं हूं दीपाली राणा, दिल्ली स्टूडियो से। आपकी तमाम क्वेरीज इस शो में हम शामिल करेंगे, तो मेहमान हमारे साथ मौजूद है। लेकिन सबसे पहले अगर मार्केट्स का बिहेवियर देखें तो सुबह से ही दबाव के साथ इंडियन मार्केट्स ट्रेड कर रहे हैं। निफ्टी अभी 8086 के लेवल पर है मामूली कमजोरी के साथ, लेकिन बढ़ने वाले शेयर्स में जो लीड कर रहे हैं उनमें ल्यूपिन, एचयूएल, भारतीय इन्फ्राटेल, बॉश, सिप्ला, ओएनजीसी हैं, जहां पर हम 1.5% से ज्यादा की बढ़त देख रहे हैं। वहीं जो स्टॉक्स परफॉर्म नहीं कर रहे हैं, निफ्टी 51 से अगर उन स्टॉक्स को देखें तो आज के सेशन में एचडीएफसी लिमिटेड में सबसे ज्यादा कमजोरी रही है। ग्रासिम, टीसीएस, टाटा मोटर्स, डॉक्टर रेड्डीज, विप्रो, टाटा मोटर्स, ये कुछ लूजिंग साइड पर है, जहां पर आधा से 1% कमजोरी आज के सेशन में हम देख रहे हैं। निफ्टी बैंक कॉन्स्टिट्यूएंट्स को देख लेते हैं। निफ्टी बैंक इंडेक्स अभी बिल्कुल फ्लैट ट्रेड कर रहा है 18,274 के लेवल्स पर। लेकिन अगर हम निफ्टी बैंक कॉन्स्टिट्यूएंट्स को देखें तो एचडीएफसी बैंक, एक्सिस बैंक, बैंक ऑफ इंडिया और आईसीआईसीआई बैंक, ये चार बैंक्स हैं जो कि कमजोरी के साथ ट्रेड कर रहे हैं। वहीं जहां बढ़त दिख रही है उनमें इंडसइंड बैंक, येस बैंक, बैंक ऑफ बड़ौदा, पीएनबी, एसबीआई शामिल हैं। कुछ शेयर्स मिड कैप स्मॉल कैप कैटेगरी के, जहां पर हम विद वॉल्यूम्स बाइंग देख रहे हैं, उसमें आप देखिए कोल्टे पार्टनर, नतीजों का असर, स्टॉक 13-14% ऊपर ट्रेड कर रहा है। एक साइबर टेक एक शेयर है जहां पर मजबूती है 10-11% की। वैंकीज में विद वॉल्यूम्स बाइंग आई है, स्टॉक करीब 10% के सर्च के साथ 497 के लेवल पर ट्रेड कर रहा है। आरपीपी इंफ्रा, ट्राइगन टेक्नोलॉजीज, रशियल डेकोर, पेनिशिया बायो, ये कुछ और परफॉर्मर्स। आपकी जो तमाम क्वेरीज है वो शो में हम शामिल करेंगे, लेकिन सबसे पहले आपको बता देते हैं तरीका शो में पार्टिसिपेट करने का। शेयर हमारा कीवर्ड है, शेयर लिखिए, अपना सवाल आप लिखिए, उसको सेंड कर दीजिए 57575 पर। इसके अलावा फोन लाइन के जरिए भी शो का हिस्सा बन सकते हैं। दो नंबर्स हैं हमारे, एक टोल फ्री नंबर है और एक एयरटेल नंबर है, दोनों उसके जरिए ही आप कनेक्ट कर सकते हो। और जी बिजनेस के फेसबुक पेज पर जाकर अपनी क्वेरीज जो हैं वो आप पोस्ट कर सकते हैं जी बिजनेस ऑनलाइन पर जाकर। लेकिन आज के सेशन में एक लैक लस्टर मोमेंटम ही देखा जा रहा है। एक स्पेसिफिक पॉकेट आप देख लीजिए, उसके बाद आपकी क्वेरीज हम शामिल करेंगे। एक बार ऑफशोर स्टॉक्स का रुझान देखिए, जोरदार बाइंग आज ऑफशोर शेयरों में देखी जा रही है। एबन ऑफशोर, डॉल्फिन ऑफशोर, सेलन एक्सप्लोरेशन, एचओवीसी, यहाँ पर 1.5-4.5% का मूव आज के सत्र में है। ऑफशोर स्टॉक्स मूव कर रहे हैं। ऑटो स्टॉक्स में आज हमने बाइंग देखी है। पेपर स्टॉक्स में वापस से खरीदारी आज के सेशन में मर्ज हुई है। साथ ही आज के सेशन में आप छोटे स्टॉक्स देखिए, आईटी स्पेस के, डाटामेटिक्स, एक्सिकेट्स इंजीनियरिंग, ये सभी स्टॉक्स भी बढ़कर ट्रेड कर रहे हैं। दो जानकार हमारे साथ मौजूद है, सिमी भौमिक हैं और संजीव जैन हैं। सिमी, अभी निफ्टी पर आपका व्यू क्या है? गुड मॉर्निंग दीपाली। निफ्टी थोड़ा सा वीकनेस के साथ ही ट्रेड कर रहा है, जो भी है 8070 का लेवल होल्ड करने का कोशिश कर रहा है, पर अगर ये लेवल टूट जाएगा तो इसमें फ्रेश वीकनेस आ जाएगा और ग्लोबल मार्केट्स भी काफ़ी वीक है, इसलिए हो सकता है कि निफ्टी एक बार डे लो तोड़ेगा और डे लो टूटने के बाद 8050-8040 ये नेक्स्ट सपोर्ट होगा जहाँ पर निफ्टी आ सकता है। पर मुझे लगता है कि वो सपोर्ट अगर नहीं टूटा या अगर 12:30 से 1 बजे के आसपास भी अगर निफ्टी 8070 का लेवल होल्ड कर सकता है तो एक पुलबैक रैली मिल सकता है। पर ये रैली पुलबैक रैली होगा क्योंकि निफ्टी में जो रिकवरी देखा गया था वो निफ्टी को 8250 तक ले गया था, पर वहाँ पे ये सस्टेन नहीं किया और वापस नीचे आ रहा है। ये जो सेंटीमेंट है, ये जो सिलसिला है, निफ्टी हर बार लोअर लो बना रहा है और लोअर हाई बना रहा है, तो इसको देखते हुए लग रहा है कि इस बार भी अगर रैली होगा तो भी ऊपर में जाके सस्टेन करना डिफ़िकल्ट होगा और नया लो बनाने का कोशिश में रह सकता है निफ्टी। तो फिलहाल तो बायस वीकनेस के साथ ही ट्रेड हो रहा है। अभी अगर डे लो टूट जाएगा तो 8050 से 8040 का नेक्स्ट सपोर्ट वॉच करना पड़ेगा जी। अभी अभी सर्विसेज पीएमआई के नंबर्स आए हैं और वो नंबर्स डेफिनेटली जो प्रोजेक्शंस की जा रही थी उससे खराब आए हैं। सर्विसेज पीएमआई के नंबर्स आज ड्यू थे, आज ये नंबर्स आने थे और जो आंकड़ा आया है वो 54.5% से घटकर 46.7% रहा है। डेफिनेटली डिसअपॉइंटिंग आंकड़ा है। जो नवंबर निकाई मार्केट सर्विस पीएमआई का आंकड़ा है वो 54.5 से घटकर 46.7 पर रहा है। डेफिनेटली ये अच्छा आंकड़ा नहीं है या फिर कहें कि कंफर्टेबल फिगर नहीं है। हमने पिछले कुछ मंथ से 50 के ऊपर मेंटेन किया था और अब एक ड्रास्टिकली ड्रॉप आया है और सीधे 54.5 से ड्रॉप होकर 46.7 पर ये फिगर आई है। तो डेफिनेटली मार्केट को पसंद नहीं आएगी जो नवंबर का सर्विसेज पीएमआई का आंकड़ा आया है 46.7 के आसपास का, तो ये अच्छी डेवलपमेंट नहीं है और मार्केट इसको भी वॉच कर रहे थे अलॉन्ग विद अदर इवेंट्स जो कि इस हफ्ते में ड्यू भी हैं, जैसे कि आरबीआई पॉलिसी। हालांकि इंडेक्स अभी भी 6 अंक नीचे ट्रेड कर रहा है 8081 के लेवल्स पर। लेकिन अब जो क्वेरीज हैं उन्हें शामिल कर लेते हैं शो में और मनोज धारा मेरे सहयोगी मौजूद भी हैं। मनोज, श्योर।
बिल्कुल दीपाली, इनफैक्ट एक क्लियर इंडिकेशन ऑफ पीएमआई ड्रॉपिंग बिलो 50 इन इटसेल्फ इज अ कॉज ऑफ कंसर्न. बट मूविंग ऑन, अगर देखना पड़ेगा कि नेक्स्ट मंथ का इफ देयर इज अ पिकअप और नॉट. मूविंग ऑन, अगले कॉलर से बातचीत कर लेते हैं. इनफैक्ट हमारे पहले कॉलर है मिस्टर रिकी अरोरा फ्रॉम दिल्ली एज वेल. नमस्कार रिकी, आपका सवाल पूछिए. गुड मॉर्निंग. आई हैव 500 भारतीय एयरटेल शेयर एट द प्राइस ऑफ 340 एंड हैविंग पर्सपेक्टिव ऑफ अराउंड 6 to 7 मंथ्स. Sure, बिल्कुल आपको राय दिला देते हैं. इनफैक्ट विल टॉक टू संजीव जैन. वेलकम टू द शो संजीव. या क्विक रिएक्शंस, व्हाट डू यू थिंक भारतीय एयरटेल यहां पे लेकर वी हैव सीन डिस्ट्रप्शन सिंस द टाइम जियो हैज एंटर्ड. बट यहां पे लेकर वी हैव सीन यू नो मार्केट पार्टिसिपेंट्स ऑलरेडी टॉकिंग अबाउट द नो लॉस ऑफ मार्केट शेयर फॉर भारतीय एयरटेल नंबर वन है एज ऑफ नाउ. आपको क्या लगता है कि गोइंग फॉरवर्ड इनकी इन्वेस्टमेंट को बेटर रिटर्न्स देखने मिल सकते हैं? गुड मॉर्निंग मनोज. देखिए, अगर मैं भारतीय एयरटेल की बात करूं तो लाइक कंपनी की फंडामेंटली साउंड कंपनी है, पर ड्यू टू यू नो ह्यूज कंपटीशन इन द इंडस्ट्री ड्यू टू रिलायंस जियो, बिकॉज रिलायंस जियो ने एक्सटेंड किया है अपना फ्री डेटा एंड वॉइस कॉल फॉर 31 मार्च, तो मार्जिन में प्रेशर आ सकता है. कंपनियों का कॉम्पिटिशन ज़्यादा है और हाई स्पेक्ट्रम ऑक्शन में भी यू नो कंपनी ने पार्टिसिपेट किया था भारतीय एयरटेल ने, तो इसके कारण से थोड़ी मार्जिन में प्रेशर रह सकती है. तो मेरी इन्हें यहाँ सलाह होगी कि भारतीय एयरटेल में बने रहें, पर अपना टाइम होराइजन थोड़ा लंबा करें, अराउंड एक साल तक का टाइम होराइजन रखें तो इन्हें यहाँ से रिटर्न भी मिल सकता है. जी, अगले कॉलर हमारे साथ हरिओम है फोन लाइन पर चंडीगढ़ से. हरी नमस्कार, क्वेश्चन पूछिए अपना. गुड मॉर्निंग. मैं मान इंडस्ट्रीज के बारे में पूछना चाहता हूँ जी. पूछिए. 88 पे है मेरे पास 2000 शेयर्स. और आपका परचेजिंग प्राइस क्या है मान इंडस्ट्रीज में? 88. काफी ऊपरी स्तरों पर आपकी खरीद है. इफ आई एम नॉट रॉन्ग, ये आपने लास्ट ईयर जनवरी फरवरी में खरीदे हैं शेयर. यस, एग्जैक्टली. और तभी से ये शेयर कंसिस्टेंटली करेक्ट हो रहा है. सिमी, क्या करना चाहिए? इनका निवेश ऑलमोस्ट आधा हो चुका है. 88 रुपीस की खरीद अब 46 रुपए पर आ चुकी है. जनवरी में ये स्टॉक 80-90 के लेवल्स पर ट्रेड होता था और वहां से इसने करेक्ट होना शुरू किया और ये कमजोरी अभी तक बनी हुई है. क्या करना चाहिए इनको? अब कोई पॉसिबिलिटी है इनके नुकसान कम होने की? देखिए दीपाली, चार्ट काफ़ी वीक है. ये 88 का परचेज और अभी ये 40-46 के आसपास का ट्रेडिंग, मतलब ऑलमोस्ट आधा हो चुका है. और रिसेंट पास में मतलब जो भी रैली देखा है, कोई भी रैली मैं नहीं देख रही हूँ उसमें एक नया हाई बनाया है. ये स्टॉक हमेशा ऊपर गया है, एक लोअर टॉप बना के लोअर लो बना के ही चल रहा है. तो इसका शॉर्ट टर्म और मीडियम टर्म, इनफैक्ट लॉन्ग टर्म ट्रेंड भी इसका डाउन ही है. तो उनके लिए बहुत ज़्यादा मैं अच्छा टारगेट तो नहीं दे सकती. हाँ, ये मैं ज़रूर कह सकती कि 40 के आसपास आपको निकलने का ज़रूरत नहीं है. अब थोड़ा बहुत रिकवरी के लिए इंतज़ार कीजिए. पर ओवरऑल मुझे लगता है कि बहुत जल्दी ये स्टॉक 50-55 का रेंज तोड़ के ऊपर जाने वाला नहीं है. तो अगर कोई रैली आपको शॉर्ट टर्म में 50-55 तक मिल जाता है तो वहाँ पे एक बार एग्जिट ले लीजिए, क्योंकि इस जैसा स्टॉक में बहुत ज़्यादा टाइम वेस्ट करके फ़ायदा नहीं है. अपने काफ़ी टाइम बिता चुका है इसमें और मुझे नहीं लगता है कि आपको और ज़्यादा वेट करना है. कोई रैली यूज़ कीजिए और 50-55 के बीच में आपको निकल जाना चाहिए इस स्टॉक से. श्योर, मूविंग ऑन, अगले कॉलर है हमारे साथ में मिस्टर रमेश फ्रॉम मुंबई. नमस्कार रमेश जी, आपका सवाल पूछिए. वेरी गुड मॉर्निंग टू यू. आई एम होल्डिंग 1500 शेयर जी ऑफ एफसीएल एट 26 रुपीस. ओके, शैल आई वाज थिंकिंग ऑफ बाइंग फर्दर मोर अबाउट 1000 शेयर्स. डू यू थिंक इट विल बी वर्थवाइल डूइंग सो? बिल्कुल आपको राय दिला देते हैं. इनफैक्ट फंडामेंटली विल ट्राई टू अंडरस्टैंड व्हाट फिनोलिक्स केमिकल्स लिमिटेड इज इन टू एज वेल. 1500 शेयर्स संजीव एट 26 ऑट लेवल्स पर उनकी परचेज प्राइस है. अगर हम फिनोलिक्स का परफॉर्मेंस देखें तो वी हैव बीन सीइंग अ फंडामेंटल पुश फ्रॉम द चाइना न्यूज एज वेल, बिकॉज यहाँ पे लेकर इन्वायरमेंटल क्लियरेंस के चलते हुए देर वॉज न्यूज दैट 6-7 months पहले कि यहाँ पे लेकर बिजनेस विल शिफ्ट टू इंडिया और यहाँ पे लेकर देर कैन बी अ फर्दर गेन फ्रॉम हियर ऑन. बट इज देर एनी स्पेसिफिक रीजन आपको लगता है कि यू शुड स्टे इन्वेस्टेड और यहाँ से लेकर इनफैक्ट इट्स अ रोबस्ट गेन दिस इंडिविजुअल इज गेनिंग from this 413. Let me congratulate to him as well. But yahan se lekar further rise dekhne mil sakte. देखिए मनोज, क्योंकि अगर मैं फिनोटेक्स केमिकल की बात करूँ तो कंपनी अच्छी है, नो डाउट यू नो केमिकल बिजनेस में इन्वॉल्व है. तो मुझे लगता है कि यहाँ पर इन्हें इन्वेस्ट करके रहना चाहिए, स्टे इन्वेस्टेड, तो अच्छा रिटर्न इन्हें यहाँ से मिल सकता है. जी,
अगली क्वेरी ले लेते हैं। संजॉय हमारे साथ फोन लाइन पर है कोलकाता से। संजॉय नमस्कार, क्वेश्चन पूछिए अपना। या नमस्कार, मैं संजय सिन्हा बोल रहा हूँ कोलकाता से। एक्चुअली मैंने 100 शेयर जेट एयरवेज का लिया है 440 के भाव में। मेरा होल्डिंग का नजरिया है आपका करीब 6 मंथ का, तो मैं रिसेंटली ट्रेंड देख रहा हूँ, वो 360 तक के रेंज तक गया था, उसके बाद 410 तक भी गया था, उसके बाद फिर 400 के नीचे ट्रेड कर रहा। मैंने आज का ट्रेड देखा नहीं है, लेकिन 400 के नीचे, तो इसका अगर मैं 6 मंथ का देखता हूँ और लास्ट 2-3 साल में मैं देखा हूँ कि दिसंबर जनवरी में सबसे मैक्सिमम इसका ग्रोथ हुआ है, 700-750 तक भी गया हुआ है। तो मतलब मैं 6 मंथ का अगर होल्डिंग का नजरिया रखता हूँ तो ये मतलब क्या हुआ इसका फ्यूचर, वो मेरे को जानना था। ठीक है, अभी स्टॉक 378 पर ट्रेड कर रहा है, 1 रुपए की बढ़त लेकर। लेकिन सिमी, अब जो ये पुराने ट्रेंड की बात कर रहे हैं जेट एवेज के, वो ट्रेंड हमने स्पेशली पिछले साल देखा था जब अक्टूबर नवंबर दिसंबर में जो एविएशन स्टॉक्स थे वो अपना पार्टी पीरियड फेस कर रहे थे। जेट एवेज तब 750-800 तक गया था और स्पाइस जेट जैसे स्टॉक्स ने भी 90-100 तक के लेवल्स को अप्रोच किया था, और तब से अब तक जो ट्रेंड है वो बहुत ज़्यादा इनकरेजिंग रहा नहीं है, इनफैक्ट ये स्टॉक कमजोरी हुए हैं। अभी इनको करना क्या चाहिए? 440 की खरीद है, 378 पर ट्रेड कर रहा है, 6 महीने ये रुक सकते हैं। देखिए दीपाली, चार्ट्स बहुत ज़्यादा अच्छा तो नहीं है, इनफैक्ट मैं उनको ये कहूँगी कि मैं पूरा जो सेक्टर है एविएशन सेक्टर में, मुझे लगता है कि बहुत जल्दी कुछ होने वाला नहीं है। और अभी जो माहौल है इसमें क्रूड ऑयल भी बढ़ रहा है, इसमें थोड़ा बहुत लॉस तो इन लोगों को भी उठाना पड़ेगा क्योंकि ETF प्राइस भी बढ़ेगा, कम होने का कोई चांस नहीं है। तो मुझे लगता है कि फंडामेंटली भी आपको बहुत ज़्यादा सपोर्ट नहीं मिल सकता अभी, और एविएशन सेक्टर ऐसे ही बहुत रिस्की है, बहुत कंपटीशन है इसमें। तो मुझे लगता है कि और चार्ट भी आपको अच्छा कोई सिग्नल नहीं दे रहा है। यहाँ से मेजर जो रेजिस्टेंस है वो 410 से 440 के बीच में है, वो भी करंट लेवल से काफ़ी दूर है, और बहुत जल्दी ये स्टॉक उस रेंज को छुएगा तो अब समझ सकते हैं कि वहाँ पे आपको एक बार लॉस बुक करके निकल जाने से बेहतर होगा, क्योंकि बहुत जल्दी वो रेंज क्रॉस करके सस्टेन करेगा ऐसा भी नहीं लगता है। एटलीस्ट मेरा व्यू ये है कि फॉर द टाइमिंग एविएशन सेक्टर में कोई मतलब एटलीस्ट नेक्स्ट 6 मंथ्स में कोई पैसा नहीं बन सकता है, इसलिए कोई रैली यूज़ करना ही बेहतर होगा एग्जिट करने के लिए। मतलब आपका अगर शॉर्ट टर्म का नज़रिया है तो रैली यूज़ कीजिए एग्जिट करने के लिए। So sell on rice is the strategy in aviation stock, is the SIMI ki raay hai. Moving on, Mr. Amit ne call kiya hame Noida se. Namaskar Amit, aapka sawal kaun se stock par hai? Yeah, good morning all. Hello. Very good morning Amit, aapka sawal puchhe. Haan, mere dost shares hain, ICICI Prudential and L&T Finance. So ICICI Prudential hai 61 shares at the rate of 335, jis pe ek allocation hua tha IPOs ka. एंड L&T फाइनेंस के 100 शेयर एट द रेट ऑफ 78। सो मेरा क्वेश्चन है L&T फाइनेंस में एक्चुअली वेंट थ्रू टिल 100 मोर देन 100, तो क्या मैं इसको होल्ड करूँ और इसमें कुछ एवरेजिंग करके करूँ जिससे कि गोस मोर देन 100 और किस पॉइंट पर सेल आउट करना चाहिए L&T फाइनेंस एंड ICICI प्रुडेंशियल का? आपको राय दिला देते हैं। इनफैक्ट दो स्टॉक्स पर उनको आपकी ओपिनियन चाहिए संजीव। यहाँ पे ICICI प्रोडेंशियल रिसेंटली लिस्टेड कंपनी और यहाँ पे ग्रोइंग फॉरवर्ड ग्रोथ परस्पेक्टिव भी काफ़ी अच्छे हैं, बट फंडामेंटली इज देयर एनीथिंग यू वांटेड टू ऐड? 335 की उनकी खरीदारी है। एंड सेकंड स्टॉक इज L&T फाइनेंस, 100 और शेयर्स एट 70 और लेवल्स पर उनकी परचेज प्राइस, क्या उनकी इन्वेस्टमेंट पर उनको बेटर रिटर्न्स देखने मिल सकते हैं? देखिए मनोज, पहले मैं ICICI प्रूडेंशियल पे कमेंट करना चाहूँगा। देखिए एक अच्छी कंपनी है, कंपनी का आप नंबर, कंपनी के नंबर्स को देखिए, एक कंटिन्यू कंपनी ने एक अच्छा परफॉर्मेंस भी दिखाया है। आप इसकी परसिस्टेंसी रेशियो को भी देखिए तो रेगुलेटर के नॉर्म से काफ़ी ऊपर ये अपना रेशियोज रखती है, तो डेफिनेटली L&T ICICI प्रूडेंशियल पे इन्हें लॉन्ग टर्म पॉइंट ऑफ व्यू से होल्ड करके रखना चाहिए। अब मैं L&T फाइनेंस की अगर बात करूँ तो देखिए कंपनी ने लास्ट कुछ क्वार्टरों में, इस क्वार्टर को छोड़ के अच्छा परफॉर्मेंस नहीं दिखाया था, पर अब ऐसा लगता है कि उन्होंने कंपनी परफॉर्मेंस दिखाना चालू किया है, कंपनी ने वैसा लग रहा है, और गोइंग फॉरवर्ड हम मानते हैं कि इकोनॉमी के इम्प्रूवमेंट के होने के साथ साथ L&T फाइनेंस को भी कहीं ना कहीं लाभ मिलेगा, तो L&T फाइनेंस में भी मेरी होल्ड की सलाह होगी इन्हें। तो ICICI प्रूडेंशियल और L&T फाइनेंस दोनों स्टॉक्स होल्ड करने की सलाह दे रहे हैं संजीव।